दोस्तों, इस वीडियो को ना मैं आपको शेयर करने के लिए बोलूंगा और ना मैं यहाँ बोलूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आ गया हूँ मैं राहुल रावत आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं पहले इन तीन क्लिप्स को, ताकि आपको मेरी जो अगली वीडियो है उसकी कुछ कहानी समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लिप में दिखाया हुआ कोई ना कोई कंटेंट जरूर समझ आया होगा। इस वीडियो में जो प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, जहाँ पर कुछ लड़के या कुछ लोग घाट के किनारे बैठ के कोई हुक्का पी रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, मैं मानता हूँ ये एक प्रॉब्लम है और मैं इसकी लीगलिटी के ऊपर नहीं जाऊँगा कि कौन इसमें कल्प्रिट है और कौन नहीं। असल में जो ये प्रॉब्लम है और जो पिछले कुछ समय से काफ़ी वायरल हो रही है, इससे बहुत बड़ी और बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, गंगा रिवर विच हैज़ अ रन ओवर 2500 किलोमीटर, इट ऑलमोस्ट क्रॉसेस मोर देन 4 स्टेट्स, और इसका उत्तराखंड के अंदर जो रन है वो लगभग 450 किलोमीटर का है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 किलोमीटर का रन है। और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इसकी थोड़े से ओरिजिनेशन की। मैं ओरिजिनेशन की कहानी में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। ओरिजिनेशन बेसिकली जो सबसे मेजर ओरिजिनेशन पॉइंट जो माना जाता है गंगा का, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। एज पर द हाइड्रोलॉजी जो लेंथ है वो अलकनंदा की ज़्यादा है, इसलिए वो मेन ट्रिब्यूटरी अलकनंदा को मानते हैं। एज पर द हिंदू माइथोलॉजी भागीरथी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो भागीरथी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। चलिए, ये तो भी माइथोलॉजी की। अब एक्चुअल में बेसिकली रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स फॉरगिवनेस, बट कब तक वो हमें फॉरगिव करेगी एंड हाउ लॉन्ग टेस्टिंग द पेशेंट्स ऑफ गंगा, पेशेंट्स ऑफ गंगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आगे चलता हूँ। सबसे एक छोटी चीज, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो लोग घाट के किनारे बैठ के हुक्का पी रहे हैं या बियर पी रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है ये लोकल्स के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा वो नेशनली, इंटरनेशनली, इवन हर किसी को इम्पैक्ट डालने वाली है। चलिए सुनते हैं समस्या क्या है। एज पर द गवर्नमेंट, लगभग 1109 ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो अपना एफ्लुएंट यानी कि डिस्चार्ज गंगा में डालती हैं। सिर्फ एक दिन में लगभग 670 मिलियन टन सीवेज जो कि ट्रीटेड फॉर्म में नहीं होता वो रिवर में जाता है। अब गवर्नमेंट से पूछें आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, वो आपको बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको एक स्टैट शो करूंगा इसमें कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से कितना ट्रीट किया जा रहा है। सी दोस्तों, गंगा की इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो रिलीजियसली भी है, साइंटिफिकली भी है, कल्चरली भी है, इकोनॉमिकली भी है और हिस्टोरिकली भी है। हिस्टोरिकली आप जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स देखते हैं, पाटलिपुत्र हुआ, कन्नौज हुआ, व्हाई दे वर सेट अक्रॉस द बैंक ऑफ गंगा, कोई तो सोच रही होगी इतने बड़े बड़े रूलर्स की, शायद हम उसे समझने में नाकाम रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ की साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी, सेड दैट कि जो गंगा का पानी होता है वो और भी चीज़ों को प्योर कर देता है। आइए जरा इसकी साइंस पूछ लेते हैं। 1896 के अंदर एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो बीकर लिए, एक बीकर में उन्होंने नॉर्मल वाटर लिया और एक बीकर में उन्होंने गंगा का वाटर लिया। जिस बीकर में उन्होंने गंगा का वाटर लिया था वहाँ ही पता लगा सिर्फ 3 घंटे के अंदर
सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे मर गए। Whereas इन नॉर्मल बीकर बैक्टीरिया थे वो दो दिन तक भी नहीं मरे और इवन वो मल्टीप्लाई हुए। ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़े। 1997 के आसपास कोलेरा और डिसेंट्री के कारण बहुत डेथ्स हुई, लोगों ने बॉडीज ऐसी रिवर में छोड़ दी। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे फिलिप्स, उन्होंने ये देखा जब गंगा में डेड बॉडीज तैर रही थी तो उसके नीचे जो नॉर्मल वाटर में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो गंगा के वाटर में मिसिंग थे। उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग करी देन ही केम टू नो अबाउट अ वायरस हिज नेम इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ही एक ऐसा वायरस है जो पानी के अंदर मौजूद हर बैक्टीरिया को मारता है और इस वजह से पानी की जो प्योरिटी है मेंटेन रहती है। हो सकता है कि हमारी माइथोलॉजी के अंदर लोगों को ये साइंटिफिक बातें समझानी मुश्किल रही हो, तो इसलिए हमने जो गंगा का जो वाटर है उसको अपने रिलीजियस टेक्स्ट के साथ जोड़ के देख दिया ताकि लोगों को इसका उनकी लाइफ में फ़ायदा हो सके। गंगा की इंपॉर्टेंस यहीं खत्म नहीं हुई। यू नो वाटर ऑफ गंगा हैज ऑलमोस्ट 25 टाइम्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू अदर वाटर सोर्सेज। यही नहीं, गंगा के अंदर गंगा का जो वाटर है उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी एक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की वो किसी नॉर्मल वाटर से 15 गुना ज़्यादा है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब इन्हीं सारी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, इवन कुछ नहीं काफ़ी सालों में, 1985 से 2000 तक एक गंगा एक्शन प्लान चलाया। उसमें अरबों खरबों रुपये खर्च करे गए बट दैट प्लान वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड टू द ग्रास रूट लेवल, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज हमको दिखती भी हैं। मोस्टली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो रिपोर्ट की गई थी 1984 के अंदर वो 764 थी, और इतने रैपिड इंडस्ट्रिएशन के बाद भी 2021 में जब आज रिपोर्ट किया गया तो वो इंडस्ट्रीज जो रिवर में पोल्यूशन कर रही हैं उनका नंबर सेम मेंटेन है 764। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा मतलब हमें कहीं लगता नहीं कि वो नंबर सेम मेंटेन होना चाहिए था। अब डाटा एंड फिगर कहाँ छुपे हुए हैं ये तो एक बेसिकली एक प्रोब का मैटर है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? देखिए मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ। डू यू रियली नो कि जो गंगा का रिवर है उसके अंदर फिशेज और कितने सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनकी लाइफ रिलीज पानी पर डिपेंड करती है, और अगर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के थ्रू अनट्रीटेड सीवेज के थ्रू हम इस पानी को ख़राब करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी लाइफ पे और आसपास के जो लोकल कम्युनिटी है उनकी लाइफ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ स्पीशीज ही नहीं, जो रिच सोसाइटी के लोग हैं इवन मिडिल क्लास लोग भी हैं दे कैन अफोर्ड अदर सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन एक गरीब आदमी उसके लिए रिवर की इतनी इंपॉर्टेंस है नहाने के लिए, इवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वो लोग रिवर का पानी इस्तेमाल करते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया के अंदर आने वाले समय में लगभग उनकी जीडीपी का जो 4% है वो पानी से फैलने वाले बीमारी को क्योर करने में जाने वाला है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा इशू है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। फीकल कॉलीफॉर्म बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वाटर के अंदर फीकल कॉलीफॉर्म का जो लेवल होना चाहिए वो लगभग 500 होना चाहिए पर 100 ml। बट आपको पता है वाराणसी में कितना पाया गया? वाराणसी में पाया गया 60,000, और इवन कुछ जगहों में ऑब्जर्व किया गया इट वेंट अप टू 100 million, यानी कि 100 million। आप समझ सकते हैं 100 million ये कॉलीफॉर्म पाए गए हैं किसमें? जस्ट 100 ml ऑफ वाटर में, विच इज फार टू अबव द लेवल। इट इज गिविंग अ राइजिंग इंडिकेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है हम सभी के लिए। अब बात करते हैं गंगा रिवर की जो ये सोल्यूशन है इस पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े प्लान्स सोचे होंगे, रिवर एक्शन प्लान्स आए, अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ग्राउंड रूट पे कितने इंप्लीमेंट होते हैं ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे जो कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हुई जो आपने वीडियोज़ में देखी, जैसे हुक्का पीना बियर पीना, इनको रोकने के लिए आप CCTV इंस्टॉल कर देंगे तो ये एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं। बट वट अबाउट दोज जो एफ्लुएंट्स जो अपने जल रहे हैं, इतना सीवेज जल रहा है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कोई नहीं सोचेगा। चलिए बात करते हैं कुछ सोल्यूशन की। सबसे पहला सोल्यूशन जो हो सकता है वो हो सकता है सेटिंग अप लार्ज मॉनिटरिंग सेंटर्स थ्रू आउट द वे ऑफ गंगा। जो उसका 25 किलोमीटर का रन है इसमें पहले 37 मॉनिटरिंग सेंटर्स थे, इनको बढ़ा के 57 कर दिया है, और इन्हें और बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ये गंगा जो है ये अभी सेंसिटिव जोन में जाने वाली है, इसकी कंडीशन और डिग्रेड हो रही है। ठीक है, चलिए एक तो सोल्यूशन ये हुआ। दूसरा सोल्यूशन ये हुआ, जो लोकल लोग हैं वहाँ के उनको
अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर वो अवेयरनेस देके प्रॉपर टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो गंगा की जो लेवल ऑफ जो इम्प्योरिटी है वो और बढ़ती रहेगी। तीसरी चीज टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हरिद्वार जैसी जगहों में टूरिज्म इतने लोग आते हैं और उनके जाने के बाद काफ़ी सारा जो वेस्ट है वो वहाँ वैसे रह जाता है। तो गवर्नमेंट शुड मेक प्रॉपर टूरिज्म गाइडलाइंस। आपको टूरिज्म गाइडलाइंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब वी ऑल नो भाई गंगा का कितना हम लोगों के लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो वी ऑल कम, हमको हम सबको यहाँ नहाने के लाना चाहिए, बट वी मस्ट अवॉइड केमिकल सोप्स शैम्पूज, है ना। हम फूल चढ़ा रहे हैं लेकिन क्या वो जो फूल के पेटल्स में वी हैड यूज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, उनका क्या? तो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल लेवल्स में थोड़े 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 स्टेप्स लें तो हो सकता है चीज़ आगे जाके इम्प्रूव हो जाए और हम अपनी जो आने वाली जनरेशन हैं उनको गंगा की रिलीजियस हिस्टोरिक सारी जो इम्पोर्टेंस है वो बता सकें और उनसे अवेयर करा सकें। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे एंड से और किसी वीडियो को कवर चाहते हैं तो डू शेयर अस इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये आपको वीडियो जरा सी भी रेलिवेंट लगी हो, मैं आपको नहीं बोलूँगा आप इसे शेयर कीजिए, अगर आपको लगी हो रेलिवेंट, ठीक है, तो आप इसे पूरा देखिए। खैर पूरा तो होगी, यहाँ तो बहुत से पूरी देखी होगी उसने।